नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अजय काली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सजेस्ट की वीडियो पर बहुत ज़्यादा प्यार दिया। मुंबई टू केदारनाथ के व्लॉग्स पर हमें भी वो वीडियो बहुत अच्छी लगी थी जब हमने उस पर रिएक्शन दिया था, लेकिन उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, बहुत सारे कमेंट्स किए, जिसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलते हैं हम अपने इसके तीसरे डेक पर, आप लोगों की रिक्वेस्ट पर। दो पार्ट हम डाल चुके हैं तो आज हम तीसरा पार्ट देखने वाले हैं। तो चलते हैं हम अपनी थर्ड पार्ट की तरफ। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है मुंबई टू केदारनाथ राइड, राइड इज गर्ल। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। हो सुबह सवेरे का ये वाला व्लॉग शुरू करने के पहले हम करेंगे पहले भोलेनाथ के दर्शन। अच्छा, ये वही दुपट्टा है जो जितना मेहनत करा है हमें टेरेस पे जाके, वो जो दादा थे ना उसकी पीठ पे चढ़ के ऊपर केवल हाथ दिया मेरे को, फिर चढ़े, बिकॉज मेरे पैर में एक इंजरी हो गई है एंड अभी तक वो ठीक नहीं हुआ है। बाय द वे, हे एवरीवन, सब्सक्राइब आरजीवी, दिस इज तुम जो विशाखा फ्रॉम आमची मुंबई, वेलकम बैक टू अवर का यूट्यूब चैनल रायगढ़ विशाखा। अक्टूबर 2020 एंड हम हैं नथ द्वारा में। यहाँ की स्पेशलिटी है जो शिव जी की इतनी बड़ी मूर्ति दिखाई दे रही है वो, इसके अंदर एलिवेटर है, इसके अंदर शॉप से अंदर जाके शॉपिंग कर सकते हो, ऊपर जा सकते हो, शिव जी के यहाँ तक आप जा सकते हो, बट बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन ना अभी वो पूरी तरीके से खुला नहीं है एंड पूरी तरीके से बना भी नहीं है। श्रीना जी की भी यहाँ पर मंदिर है बट हम नहीं जा सकते, तो दर्शन यहाँ से हो रहे टेरिस पे से ड्रोन के कारण, वही दर्शन है अभी के लिए। हाँ, जिस होटल में रुके हैं वो होटल का नाम है आशापुरा, और इस तरीके से कुछ कपड़े मैं सुखाती हूँ, आधे कपड़े अभी नीचे गिर गए, सामान हमने खराब दिया है, बिकॉज जो मेरे पैनियर्स पहले मुझे लगा करके मम्मी के वजह से, ये जो वाला ऑयल मम्मी ने दिया था मसाज ऑयल, पता नहीं मम्मी क्या सोच के कहाँ से मिलेगा मेरे को मसाज वाला, तो ये दिया था, मुझे लगा ये जो सुकून मसाज ऑयल है वो पूरा फैल गया, बट नहीं, वी वर रॉन्ग। जैसे ही हम लोग वापस पैक करने को जा रहे थे सामान, पता चला कि मेरे पैनियर्स में नदी बह रही है। अच्छा, और ये नदी क्यों बह रही है वो भी बता देती हूँ। ये वाला जो मेरा चेन, क्या ये चेन ट्यूब है कि चेन क्लीनर है, जो भी है ये चेन स्प्रे, ये पूरा इसके अंदर ऐसे स्विमिंग कर रहा है। कपड़े मेरे बच गए, कपड़े मैंने नसीब से टेल बैग में डाल दिया था, पहले मेरे कपड़े टॉप बॉक्स में थे बट फिर टेल बैग में डाल दिया, इसका छोटे छोटे सामान थे ना वो पूरे फ्लोटर है। इसका दो कारण हो सकता है, या तो ये दब गया है, अच्छा तो अगर ये दबा हुआ होता तो बाकी भी खुल जाते, आई थिंक बिकॉज ऑफ हीट, बिकॉज कल वाला जो रोड हम लोग स्ट्रेच में आ रहे थे ना वो बहुत ही धूप वाला था, ये पूरे स्ट्रेच में पूरे जर्नी में दैट इज द ओनली रोड जिसमें बहुत ज्यादा हीट थी, इसके आई थिंक हीट की वजह से जो एल्यूमिनियम के पैनल है मेरे वो ज्यादा हीट हो गए एंड वो नाश हो गया। राइड पे अभी निकलना है, सैटेलाइट फोन है, उसके पहले जो एक्स्ट्रा मेहनत है ये, मतलब छोटे छोटे कारण रहते हैं राइड पे लेट निकलने का एवरी डे। कल वो नटबल डे आया हो गया था, आज ये हो गया, मतलब भोलेनाथ जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं, पहुंचेंगे बट आएंगे, आएंगे, जितनी परीक्षाएं लेना है तुम ले लो, हम तो ऐसे हार नहीं मानने वाले। तो ये जो पूरा जो चेन लूप गिर गया था वो सारा प्लास्टिक
के अंदर, मतलब ये ऐसी बैग के अंदर कपड़े से तो मैंने पोंछ लिया है, बट पूरी तरीके से पोंछा जा नहीं रहा है. सो लिटिल क्या बोलते हैं, ट्रिक्स एंड हैक्स दैट आई हैव यूज्ड. अभी इसका तो पूरा चिकन चिकन था, तो अपना पाउडर है, पाउडर को लो, इसलिए मैंने इतना बड़ा कैरी किया है. बिना पाउडर के कुछ नहीं हो सकता. देखो पाउडर के अलग अलग उपयोग है, इसको मस्त अंदर फैला दो, जो भी स्टिकीनेस है वो पाउडर ही कर लेगा. मेरी चेन लुक बहुत जिद्दी है, जॉइन नहीं रहा. अभी जो चिकन चिकन था वो पूरा हट. ट्रैवलिंग के टाइम में कुछ ना कुछ चीज़ों से जुगाड़ करना है. जो हाल अभी है ना वो बड़े बेहाल, क्योंकि बाथरूम में बैठ कर एक एक सामान ऐसे साबुन से धोना घिसना पड़ रहा है, क्योंकि वो चेन लुक पूरा निकल रहा है. दर्जन लाना हम लोग भूल गए थे साबुन, जो साबुन उससे निकल. देखो टाइम हो रहा है 11:30 एग्जैक्टली. हम लोग ने दोनों बाइक मस्त तरीके से लोड कर दिए. हम लोग जहाँ पर रुके हैं वो होटल का नाम आशापुरा पैलेस. यहाँ पर पार्किंग हम लोग को अंदर ही मिल गई है, मतलब इफ़िस्टी हम लोग की बाइक हम लोग यहाँ पर पार्क कर दिया था. होटल अंदर है और ये शटर सीधा डाउन. एंड हमारी बहुत ज़्यादा मदद ड्रोन उड़ाने में, बाइक पार्क करने में, सामान ऊपर नीचे लाने में लक्ष्मण दादा ने किया हुआ है. यहाँ पर आते तो इनको एक हाई बोल कर जाना, मतलब हॉस्पिटैलिटी अभी तक हम लोग को बहुत अच्छी मिली है. लिफ्ट बंद हो गई थी तो इन्होंने पूरा सामान नीचे लेकर आया, ऊपर जाए थे, मतलब बहुत ऊपर नीचे. थैंक यू सो मच. और जो इंस्टाग्राम पे हमने फोटो डाला हुआ है दुपट्टे के साथ वो भी इन्होंने ही खींचा हुआ. आई थिंक भोलेनाथ को चाहिए था केवल मेरे साथ राइड करे, बिकॉज बहुत हेल्प करे मेरे को इसकी राइड पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी. मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है एंड ये सारा मेरा हैंडल कर रहा है, मैनेज कर रहा है. तो अभी सीन ऐसा हो गया था, मैं ऊपर एडिट कर रही थी तो केवल ने चेन लिफ्ट कर दिया, मैं दूसरा कुछ काम कर रही थी तो सैडल अप कर दिया, अभी मैं व्लॉग कर रही थी तो ये पीछे जाके पानी भर के आ गया. तो मतलब ही सो हैंडी, और इसको पता होता है मतलब कौन सी चीज़ कभी कैसे करना चाहिए. बाय बाय, वापस मिल दे. बाय बाय बाय, थैंक यू. क्या जय भोलेनाथ की. चिंता किस बात की, निकल पड़े हम नाथ द्वारा से. आज निमराना जाके रुकने का प्लान है, वो निमराना कुछ भी करके जाना ही पड़ेगा. क्या बात है, क्या बात है, तीर्थ स्थान है ये. मेरे जितने भी अभी राइड हो रहे सब तीर्थ स्थान वाले ही राइड हो रहे हैं, डिवोशनल राइड. एंड मेरे को काफी अच्छा लग रहा है ऐसे राइड करके एक्चुअली. सो टोटल हमने किया है 372 किलोमीटर. टोटल एक्सपेंस मेरा पेट्रोल का हुआ है डे वन पे 800 प्लस 700, कल 780 प्लस 780, मतलब पकड़ लेना 1600 रुपया पेट्रोल का दिन में जा रहा है. तो वी आर राइडिंग लाइक अप्रॉक्स 500 किलोमीटर एंड दिन का पेट्रोल जो लग रहा है 1600 रुपया हो रहा है. अभी जो हम लोग होटल में रुके थे वो मतलब जान पहचान दिखा के हम लोग को 800 रुपीज में दो दिन का स्टे आराम से मिल गया था. चित्तौड़गढ़ नेक्स्ट टाइम आएंगे ना पक्का. अच्छा. जाऊंगी वापस, क्योंकि हर बार चित्तौड़गढ़ का मेरा रह जाता है. एक्चुअली चित्तौड़गढ़ जाने के प्लान से ही निकलना चाहिए, इधर उधर जाके बीच में चित्तौड़गढ़ करना ऐसे नहीं करना चाहिए. मेरे को दिन का पहला टोल हम क्रॉस करते हुए दिल्ली 582 निकले ही हम लोग 12 बजे, तो कैसे होगा जो होगा भोलेनाथ भरोसे. देवघर के पहले ये वाला जो स्ट्रेच है ना, यहाँ पर इतने सारे बटरफ्लाईज क्रॉस कर रहे हैं, मतलब लगभग 7-8 किलोमीटर के स्ट्रेच में मैं देख रही हूँ पूरे ये रोड से ये रोड बटरफ्लाई. देखो 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 कितने सारे सिर्फ क्रॉसिंग कर रहे कंटिन्यूस. अच्छा. और बटरफ्लाईज आर नोन फॉर गुड ओमेन, मतलब कुछ तो अच्छा आने वाला था, तभी इतने सारे बटरफ्लाईज अपने को दिखाई दे रहे हैं. आई डोंट नो, आई फाइंड बटरफ्लाईज एज गुड लक. सिंगल लेन रोड है ये, और यहाँ के बस ड्राइवर बहुत खतरनाक चला रहे हैं. लुक एट द बटरफ्लाई, सी 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 सो मेनी, पता नहीं गोप्रो में दिख रहा है कि नहीं, बट कितने सारे क्रॉस कर रहे हैं. अच्छा देखो हर चीज को पॉजिटिविटी से जोड़ रही है जबरदस्त. ये वाला रास्ता मैंने लिया हुआ है आई थिंक जब राजस्थान वाले राइड गए थे ना, तभी अजमेर 147 जयपुर 273 फेमिलियर लग रहे हैं मेरे को रास्ते. मैंने अभी वापस यू टर्न लिया बिकॉज आई सॉ माइलस्टोन 1 किलोमीटर पीछे, बट मेरे को समझ भी नहीं आ रहा जो उस पर लिखा था वही चीज लिखी है कि नहीं, कि मेरे को इल्यूजन हो रहा है, आंखों का धोखा था, समझ में नहीं आया. तो जस्ट क्रॉस चेक दैट वी आर गोइंग अगेन पीछे. ओके दिस इज द माइलस्टोन व्हिच आई सॉ. मतलब भाई साहब आंखों का धोखा बिल्कुल नहीं है. मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ कि बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है. लंदन न्यूयॉर्क, मतलब ऐसा माइलस्टोन कहाँ है. एक और चीज दिखाती हूँ, ये साइड नॉर्थ पोल 7969 किलोमीटर, न्यूयॉर्क 11938 किलोमीटर.
तो समझ रहे हो, मतलब अभी मुझे केदारनाथ जाना है कि नहीं, ऐसे थोड़ा सा डाइसी लग रहा है। आई थिंक यही से बाइक राइड करके अपन जाते इंटरनेशनल राइड करना पड़ेगा ब्रो, अपने को करना पड़ेगा। मतलब ये देखो भोलेनाथ अपने को इशारा दे रहे, ये माइलस्टोन डाल के नेक्स्ट राइड, मतलब पहले मेरे दर्शन कर ले वरना कैंसिल कर दूंगा। मेरे दर्शन करने के बाद जो तुझे राइड करनी है वो इनमें से कोई हो। विशाखा करवा दे राइड प्लीज, न्यू ईयर इन न्यू यॉर्क राइड मांगता है अपने को, ये चाहिए। ओके क्या बोलता है केवल, चलेगा कि नहीं? इंटरनेशनल राइड होनी चाहिए, होनी चाहिए इंटरनेशनल राइड अपने को। एक मांगता है, स्पॉन्सर्स है कोई? अभी बस एक ही चीज का टेंशन आ रहा है मेरे को कि बिकॉज ऑफ हीट, मतलब धूप इतनी है, इसकी वजह से अपना चेन लूप कल पूरा पिघल गया था। गैजेट, ड्रोन, लैपटॉप, ये सब चीज अगर ओवरहीट होगी तो खराब हो जाएगा। अपना ड्रोन भी लास्ट टाइम इसीलिए खराब हो गया था बिकॉज वो बहुत ज्यादा गर्म हो गया था, इतने धूप में चलाने का। और सूरज देवता है वो पीछे है, अपने पीछे से रोशनी दे रहा है, आगे सीधा फोकस नहीं है अपने पर, आज उल्टा फोकस है वो उनका। वी रीच्ड बियावर, अभी बियावर के आगे खाने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे अभी क्या करेंगे, यहीं पे खा लेते खाना क्योंकि 2:30 तो बच ही गए और आगे कुछ है नहीं, तो वही कल की जैसे हालत हो जाएगी, भूखे पेट चलाना पड़ेगा। हम ब्रेकफास्ट में हम लोग वही राइड पे नाटक डाइट का खा रहे हैं, म्यूसली खा रहे है। हट्टी के बाजू से लंबा टर्न लेना पड़ा मेरे को, तो केवल नोज अ प्लेस यहाँ पर उसकी फैमिली के साथ जब भी वो आता है तो वही बैठ के खा लेंगे हम लोग भी। ओह होटल विजय दीप, एसी नॉन एसी रेस्टोरेंट, छाव मिल गई, बहुत सही काम है, यहाँ पर पार्किंग मिल गया छाव में, एटलीस्ट पानी और अभी ठंडे रहेगा अपने। तो आज का जो हमने लंच मंगाया वो अगेन दाल फ्राई एंड रोटी, मतलब पूरे जर्नी में आपको हम यही खाते हुए दिखेंगे। मेरा कोई प्लान नहीं था अभी रुकने का, मेरा प्लान था, हाँ मेरे को लगा था कि केवल बस दो दिन में रिटर्न घर चले जाएगा, बोलेगा भूखा प्यासा राइड करवाती है करके, इसलिए मैंने सोचा भाई चल लेते रुक लेते। देखो आंटी बच्ची का पूरा ध्यान दे रही है, ऐसे भी राइड में कभी भी निकलो तो जितना हो सके उतना आफ्टरनून में लाइट करो, और दाल फ्राई रोटी सबसे अच्छा फूड है, बेस्ट, उससे हेल्थ बिगड़ती नहीं। जहाँ पर भी जैसे टाइम मिल रहा है मैं मुझे शूज मैंने ऐसे अलग अलग वाले पहने हैं लाइक उसको निकाल के रख देती हूँ, एंड एडिटिंग निपटा रही थी अभी बैठे बैठे बट पूरी तरीके से हुआ नहीं, इसलिए व्लॉग्स लेट आ रहे हैं। ऐसा खाना खाया हम लोग ने, 2:30 रोटी और दाल फ्राई, ओहो हो मज्जा नहीं लाइफ। थैंक यू महाराणा प्रताप की नगरी है ये, क्या बात है। उधर से हम लोग बाइक चला रहे हैं, हाथों में बहुत ज्यादा ही ताकत थी, उनके पास जो तलवार थी वो नॉर्मल तलवार के इंटू 4 साइज लंबी, मतलब उतनी लंबी थी। एंड एक बार उन्होंने युद्ध करने के टाइम पे सामने वाले ऑपोजिट पार्टी को घोड़े पे बैठा था उसको काटा, और ऐसा काटा एक ही गोड़ में ऊपर से नीचे घोड़े के सकट, ऐसी स्टोरी है। नथद्वारा के पास से एक जगह जाती है हल्दी घाट, अगर आप लोग को मिले ना टाइम तो वहाँ पर जरूर जाना। आप लोग को और कोई स्टोरी पता है यहाँ की राजस्थान की तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। बाय द वे राजस्थान इज वन ऑफ माय फेवरेट स्टेट। अरे मसकली कहाँ चली, बाबा मेरे को समझ में नहीं आया कि पहले तो स्लो स्लो जा रही थी तो मैंने बोला आई कैन पास, फिर सडनली जैसे मैं नजदीक गई उसने स्पीड बढ़ा लिया और मेरा हार्ट सीधा पॉप होते होते रह गया। अपने उधर की गाय कैसे ऐसे नॉर्मल क्रॉस करती ना उनके स्लो मोशन में, बट इधर की गाय चलती चलती कैटवॉक करती और सडनली फास्ट, ऐसे दो तीन बार हुआ। वाला सिंगल लेन रोड है, आराम आराम से गाड़ियां चलती है यहाँ पर, ट्रक वाले से बच के रहना, दो ट्रक वाले की आपस में बिल्कुल जमती नहीं है दूसरे को ओवरटेक करने को देखते हैं, और ऐसे छोटे छोटे बीच जिसमें टिपक टिपक वाले स्पीड ब्रेकर आते रहेंगे। अजमेर यहाँ से है 96 किलोमीटर, ओके यहाँ से अपना रास्ता बहुत सही वाला स्टार्ट होने का वाला है अभी। ए भाई ए भाई गाड़ी उल्टा चल रही है भाई, अरे उल्टी जा रही है, चुड़ैल वाली गाड़ी है ये। अभी अभी वो डॉग को एक ट्रक वाले ने उड़ा दिया और दूसरा डॉग उसके पास से Oh,
ऐसा नहीं, ऐसे दल, हाँ इधर भी दल। तो फैंटम ने 13,000 किलोमीटर कर लिया है लाइक इन टोटल, ये वेल डन। बाहर का जो तापमान है वो है 41 डिग्री ओनली। यू थिंक यू नो मी से आई एम कोल्ड हार्टेड एज़ दे कम, यू थिंक आई एम स्लोली अपनी धुन में, भोलेनाथ की धुन में चल रहे हैं। एक्चुअली बहुत मजा आ रही है हम लोग को। अभी का प्लान हम लोग ऐसे कर रहे हैं करके थोड़ा सा स्ट्रेच मारते हैं, 7 ही तो बजे है ना, एटलीस्ट 11 बजे भी चला रही है, 12 बजे हो जाएगा, हो जाएगा। रोड की कंडीशन काफी अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी अच्छा खासा 4 लेन रोड है, खाली बीच में गाँव लगने वाले वो मैनेज करके, अगर रुक के भी 5 घंटे का दूरी है यहाँ से, तो 5 घंटे में 1 ही घंटे में अगर रुकते हम लोग बंदा मिड ब्रेक लेके भी आई थिंक आराम से सॉर्ट करके निकल जाएंगे। प्लस अभी थोड़ा सा अच्छा माहौल है, ज़्यादा धूप भी नहीं है, ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं होगा, रात का टाइम चलाने के लिए अभी यहाँ तक सेफ है। तो हम लोग राजस्थान में रुकेंगे, राजस्थान का बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगे अभी, बिकॉज उत्तराखंड एंटर करने के लिए कुछ प्रोसीजर्स है, वो प्रोसीजर हम लोगों ने अभी किया नहीं है। तो प्लान करेंगे कि जाएंगे, मस्त तो काम निपटाएंगे, एडिट वेडिट करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर उत्तराखंड के लिए निकलेगी कल। तो भाई आधे घंटे की ब्रेक, पावर चार्ज होकर रायगढ़ विशाखा विद फैंटम। अपने पास अभी बड़ी वाली भी लाइट है, हाँ, दिवाली वाली लाइट। इसका खाली अपने को ध्यान देने का, जैसे ही जयपुर का बोर्ड दिखता है लाइक 20-30 किलोमीटर अहेड, वैसे यू विल सी अ लॉट ऑफ होटल्स टू स्टे टू ईट, पेट्रोल पंप भी है। तो ये वाले हाईवे पे ऐसा कोई टेंशन का बात नहीं है। ये सब वाले टोल बूथ पे अगर आप लोग जो बाइक को बनाया हुआ रास्ता है वहीं से जाए तो ठीक है, वरना इतनी लंबी चौड़ी लाइन है वहाँ पर अटकना पड़ेगा। देख लो भाई, आप लोग भी सिग्नल देख लो, मैं भी लगभग 1500 किलोमीटर बाद सिग्नल देख रही हूँ, लाल बत्ती। इट इज ओके, सो वी आर क्रॉसिंग जयपुर नाउ। दिल्ली यहाँ से है 268 किलोमीटर, नमराना इज 147। ये लेट्स डू दिस। मैंने अभी नॉन स्टॉप चलाया है 346 किलोमीटर, डन ब्रो। 9:30 चाल बाय हॉस्पिटल्स लिखा हुआ है, टल्स एस, व्हाट डू यू मीन बाय हॉस्पिटल्स? अयो ठंडी चालू, एग्जैक्टली 9:20 राइट नाउ, एंड आई एम गोना डू माय फेवरेट थिंग दैट आई नॉर्मली डू ऑल राइड्स, स्पेशली नाइट राइड्स, जब ऐसे खटिया वड़ा मिल जाती है। 3, 2, 1 ये वो तक ये क्या है? OMG, I just realized मैंने व्लॉग नहीं किया यहाँ पर खड़े के ऊपर बैठ कर खाते हुए, मतलब मैं इतना मगन हो गई थी, बहुत टेस्टी होते हैं, आई एम सो हैप्पी। बट मेरे पास पिक्चर है, वो पिक्चर देखो, अकेले बैठ के मस्त आई वाज चिलिंग। यहाँ से जाने का प्लान है निमराना, व्हिच इज 100 किलोमीटर्स मोर, चला ले। एक और बहुत बड़ी समस्या एंड गड़बड़ हो गई है, दैट अपना जो टॉप बॉक्स है वो हल्का सा बैंड हो चुका है, जो रैक पे हो वो रैक बैंड है, मतलब टू फिगर आउट कि उसको कैसे बनाया जाए। एंड हम लोग का था कल अगेन अर्ली मॉर्निंग निकल के राइड करने का, अब आ गया है कि इस बॉक्स के रैक को ठीक करना, मतलब अगेन डील है, परीक्षा ले रहे भोलेनाथ, मतलब सारे परीक्षा में हम हो गए पास। जिनका प्लान सारी रैक का स्टेटस देख के हमने डिसाइड किया कि आगे दिलेश्वर के कांटेक्ट में कोई तो बंदा है, मैकेनिक है, ही डज मॉडिफिकेशन एंड ऑल, तो उसको हम लोग दिखाएंगे। बात करते करते ठंड इतनी फंसती रहती है, तो मैं अपना जैकेट ठंड में पड़ रहा हूं। 250 रुपए में हम दोनों जन्ने खा लिए, मतलब पेट भर खाना, ये राइट पे ढाबे पे खाने का एक ही फायदा हो रहा है, स्वस्थ मस्त जीवन भिटा वाला।
395 किलोमीटर कर लिया है, लेफ्ट एट 10:24। जैसे मेरे राइट पैर में अभी प्रॉब्लम हो रहा था ना, और मैंने मेरे स्पोर्ट्स शूज पहने और एक पैर में राइडिंग बूट्स, वैसे सेम अभी मेरे को लेफ्ट पैर में दुख रहा है, सेम एग्जैक्टली वैसे ही। आई थिंक ये शूज का प्रॉब्लम है, एंड दिस इज द फर्स्ट राइड दैट आई एम वेयरिंग दीस शूज। उमेद भाई यहाँ पर गाड़ी चेक कर रहे थे तो पता चला करके अपने को चेंज करने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि खाली लूज हुआ है अपना सैडल रैक जो है, तो वो सब अभी यहाँ पर टाइट कर रहे हैं। अभी उमेर भाई ने बोला है करके निमराना तक बस जाओ, काफ़ी लेट हो गया, 11 तो बज ही गए, 11:15 हो गए चेक करते करते। तो अभी यहाँ पर हाईवे पे ही 2-3 होटल का नाम उन्होंने बोला है, वहाँ पर जाके चेक कर लेंगे, यहीं पे रुक जाएंगे। गाड़ी के काफ़ी सारे जो नट बोल्ट थे वो लूज हो गए थे, तो वो उन्होंने टाइट कर लिया है। अभी गाड़ी के पार्ट्स टाइट करने के बाद अचानक से गाड़ी स्टेबल लग रही है, मेरे को ज़्यादा वॉबल नहीं हो रही है और हैवी भी फील नहीं हो रही है। आधे घंटे में रुकेंगे 12 बजे। टाइम चेक स्क्वायर इट्स 11:30 राइट नाउ, एंड वो दादा ने जो होटल बोला था वो हमको अभी तक दिखी नहीं, तो हम डिसाइड कर रहे हैं करके निकल जाते हैं, निमराना जाते हैं। निमराना यहाँ से 1:05 दिखा रहा है और 70 किलोमीटर, तो हमने सोचा करके उसको डिवाइड करेंगे आधे आधे घंटे में, आधा घंटा चलाएंगे फिर रुकेंगे फिर आधा घंटा चला के, उससे क्या होता है एनर्जी लेवल तुम्हारी सेव रहती है, प्लस आधा ही तो घंटा चलाना है वो एक मेंटालिटी रहती है। घंटा रुकने के बाद अगर बस और आधा घंटा है ना खत्म कर देंगे फिर बहुत जाएंगे रूम में चले जाएंगे, तो इट्स ऑल इन द माइंड। अभी अपन माइंड के साथ अपनी खेल रहे हैं, चीज़ का ध्यान देना अगर आप लोग हाईवे पर रुकते हो तो यहाँ की ढाबे की लाइट जब तक आप चाय पी रहे हो या कुछ खा रहे हो तब तक चालू रहती है, उसके बाद में लोग बंद कर देते हैं। अभी टाइमिंग बता रहा है 12:54 AM, वील रीच 32 मिनट्स 31 किलोमीटर्स। अब सीधा मैं मिलती हूँ आपको होटल पे। सो वी रीच दिस होटल, ये होटल बहुत ही अच्छी हाईवे के पास ही है। एक्चुअली हमने ओयो में बुक किया था बट ओयो थोड़ा सा शेडी लग रहा था, इसलिए हमने यू टर्न मार के ये वाले होटल में आया। एंड लकीली यहाँ के जो रिसेप्शनिस्ट है ही इज अ सब्सक्राइबर एंड वो हमको जानते हैं, तो थोड़ा सा सेफ लगा हम लोग को। अभी का स्टेटस ये है, देयर इज लिटिल पेन इन माय टमी, तो मुझे बस जल्दी सोना है, बट रात के 3 बजे एडिटिंग भी हुआ नहीं, प्लस चार्जिंग में सारे गैजेट्स रखे हुए हैं एंड सुबह राइड को भी जाने का है, तो पता नहीं मैम सुबह राइड हो पाएगी नहीं हो पाएगी, तो मतलब वापस लेट ही होने वाला है, वो तो आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में। सो एज ऑलवेज गाइस दिस इज रेडिकल विशाखा साइनिंग ऑफ, ब्रेकिंग ऑल स्टीरियोटाइप्स, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर डे, आई एम गोना सी यू वेरी सून अनदर व्लॉग। पसंद आया तो प्लीज लाइक करो एंड कमेंट डाउन बिलो योर फेवरेट पार्ट, मेरा फेवरेट पार्ट इसमें से है और डोंट शॉट है, एंड सब्सक्राइब इफ यू हैवंट सब्सक्राइब, बिकॉज व्हाट आई एम प्लानिंग दिस टाइम इज दैट केदारनाथ मेरी ट्रिप खत्म होगी तो अपनी 600K ऐसे हिट हो जाना चाहिए, तो वो ट्राई आप लोग प्लीज कर दो। टिल देन कीप कम एंड गिव ऑन टॉक मोर पार्टी। क्या ही बात है यार, बहुत मतलब एनर्जेटिक, बहुत ज्यादा क्यूट स्टाइल बोलने का, जबरदस्त जो बोलती है ऐसा लगता है दिल से बोल रही है, बिल्कुल रियल बोलती है, रियल बोलती है। अच्छा, आपने बहुत सारे ऐसे ब्लॉग्स देखे हैं या राइडिंग वीडियोस देखी हैं, लेकिन इनका स्टाइल ही कुछ अलग है। मैं कह रहा हूँ जैसे एक होता है ना कि एक प्योर सोल होती है, यानी कि बिल्कुल खालिस रूह, इस तरह से बात करती हैं ये, और कोई बनावट नहीं, कोई ऐसा वो होता है ना कि एक प्लान करके होता है, इस तरह से नहीं होता, इनके वर्ड जो निकल रहे हैं वो निकल रहे हैं जबरदस्त। और एक लड़की, इतनी हिम्मत, इतना लंबा सफ़र, साथ में एक लड़का, और अच्छा वो बोल ही नहीं रहा, अच्छा ये जितना बोलती है तो वो बोलता भी नहीं। अच्छा आपने ये देखा है कि उन्होंने अभी बोला कि 2 दिन के लिए वो थे ना, तो कल आई थिंक वो चला जाए, चला जाता, तो ये आगे का सफर अकेले ही तय करने वाली है। और कह रहा है कि चला जाता लेकिन अभी मेरे साथ है, तो मेरे ख्याल में शायद आगे साथ है, शायद देखते हैं आगे। अच्छा ये है कि पार्ट 3rd भी केदारनाथ के दर्शन नहीं हो, हम इंतजार करते रहे, देखते रहे आप देखेंगे। लेकिन पता है मुझे उस वक्त पता चल गया था जब वो कहती थी ना निकलने में लेट हो गया, तो मुझे थोड़ा आइडिया हो गया था कि शायद ना पहुंच पाए आज। अच्छा रास्ते में चाय खाना पीना, फिर उसके बाद गाड़ी का जिनके साथ प्रॉब्लम हुई थोड़ी सी। अच्छा मैं भी ये चीज़ देख रही हूँ, परीक्षा ले रहे हैं, वाकई परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि हर वक्त कोई ना कोई मतलब एक ये है अड़चन आ जा रही है हर डे। अब देखिए अच्छा आप एक चीज़ नोट की आपने, उनके साथ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, उस चीज़ को कितना एंजॉय करके फील करके उसको बता रही है मतलब कि अपने अंदर एक
पोटेंशियल पैदा करी है, सोच सोच के कि हाँ ठीक है बस परीक्षा ले रहे हैं लेकिन हम पहुँचेंगे, हम पहुँच कर दिखाएंगे, हम जाएंगे जरूर। इस चीज़ को मुस्कुराहट के साथ टाल रही हैं ये, मतलब इनकी जो वीडियोज़ है मैं कहता हूँ कि वो लोग तो खास तौर पर देखें जिनकी ज़िंदगी में मुश्किल आती हैं, परेशानियाँ आती हैं और वो उसके और उस पर सर पकड़ के बैठ जाते हैं, ओ मेरे साथ क्या हो गया, मैं तो ये मुसीबत में पड़ गया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके साथ कोई मसले मसाला तो आप कहते हो कि यार अल्लाह पाक तो चाहते ही नहीं है शायद मैं ये करूँ, तो एक काम करते हैं प्लान्स कैंसिल कर देते हैं, लेकिन मैं इनको देख रही हूँ कि नहीं हमें पहुँचना है तो हमें पहुँचना है, पहुँच कर रहेंगे। इनके अंदर पॉजिटिविटी कूट कूट के भरी हुई है और हर चीज़ को कितना अच्छे तरीके से हैंडल करना, अच्छे तरीके से उसको दोबारा से मेंटेन करना, फिर अच्छा एक ऐसा सफ़र जहाँ पे कोई जान पहचान वाले भी नहीं मिल रहे, कोई अननोन लोग मिल रहे हैं, कैसा होटल हो, कैसी चाय हो, कैसा खाना हो, मैं तो बहुत बाहिम्मत, बहुत ज़बरदस्त और एनर्जेटिक। अच्छा आपको सबसे अच्छा व्लॉग का कौन सा सीन, कौन सा शॉट लगा? मुझे सबसे अच्छा वाला जो लगा वो लगा था दोनों जने 250 रुपये में खा पी के। हाँ ये हमें बचपन में मुझे याद है कि हम बोल देते हैं कितने जने हैं, दो जने हैं, तीन जने हैं, यानी कि बचपन में मुझे ऐसा याद है कि बड़ी, मतलब प्योर लैंग्वेज में, ये रफ लैंग्वेज इसको कहते हैं, यानी कि रफ में हम बोल देते थे, यानी कि बचपन मतलब में, बेसिकली ये वर्ड किसका है, वर्ड किसका है ये, हिंदी का नहीं, आप ये कहना यार हो सकता है हिंदी को, लेकिन मुझे ऐसा याद आता है कि हम जने सुना है हमने बचपन में, बचपन में, और बचपन में जैसे कोई तलफ्फुज साफ नहीं होते थे, मैंने बड़े बूढ़ों के मुंह से बड़ा सुना है हम सारे जने जा रहे थे तो ये हो गया, या हम दो जने थे तो ये हो गया था, हम कितने जने, लेकिन कौन बहुत ज्यादा यूज नहीं होता हर जगह, हाँ। क्या कहा, बुजुर्ग जो हमारे हैं जैसे दादा दादी ये सब तो यूज करते, तो आप मुझे क्या जाहिर करना चाह रहे हैं? नहीं मैं आपकी बात नहीं करी, मैं सीरियसली अपना बता रही थी। अच्छा मुझे सबसे अच्छा शॉट वो लगा जो मतलब इतनी बड़ी उनकी जो मूर्ति दिख रही थी, बहुत वो बहुत आला लग रही थी, और वहीं से भी उन्होंने कहा कि हमने होटल से ही दर्शन कर लिए कोविड की वजह से, हम वहाँ जा नहीं सकते, और दूसरी चीज़ ये है कि इस वक्त इसके सब्सक्राइबर 1 मिलियन को क्रॉस कर रहे हैं, और इस वीडियो के एंड में वो कह रही हैं कि केदारनाथ ट्रैवल जर्नी जब ख़त्म होगी तो 6K तो हो जाने का, 600K तो हो जाने चाहिए सफर सब्सक्राइबर। तो यहाँ पर अब इस वक्त हम जब इसकी वीडियो पे रिएक्शन दे रहे हैं केदारनाथ के बाद, बहुत बाद, यानी कि 2020 में कोविड की वजह से भोलेनाथ के दर्शन, कृष्णा के दर्शन नहीं कर पाए थे वो, तो इसको साल हो गया इस वीडियो को अपलोड हुए, आज इनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, तो यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि इनका ये व्लॉग लोगों ने बड़ा पसंद किया, लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तो आज इनके 1 मिलियन क्रॉस हो जाएंगे, हो कुछ अर्से होंगे। अच्छा मैंने ये भी देखा कि मतलब ये कि जानवरों से आपने देखा किस तरीके से कि वो क्या कहते हैं कोई हिट करके चला गया था उस तरीके से, तो उन्होंने फौरन अपने आप को मतलब साइड में रोका, फिर उसको उठाकर मतलब पानी वगैरह जैसे भी डाला, बिल्कुल। तो मैंने ये भी देखा कि दिल की बहुत मतलब अच्छी है, बिल्कुल दिल की अच्छी है, तो नेचर भी इनका बहुत अच्छा है, बोलने का अंदाज बहुत अच्छा है, और प्लस मुझे ऐसा लगा कि हर किसी के लिए ऐसा साथ है, दिल की बहुत अच्छी है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इंतजार है कि कब ये केदारनाथ यात्रा, बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों बहुत जल्दी दोबारा चौथे पार्ट में हम इनसे मिलते हैं, तो एक बहुत ही एनर्जेटिक, खूबसूरत और एडवेंचर, इंटरेस्टिंग राइड, बिल्कुल। तो दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।